Student to the lecture of magnetic materials and its MCQs. First question, a planar loop of irregular shape encloses an area. तो सबसे पहले area लिखिए आप of 7.5 into 10 raised to minus 4 meter square and carries a current of 1.2 ampere. What is the magnitude of magnetic dipole moment? Now, magnetic dipole moment of a vector, of a loop is Nia. इसको आप लिख सकते हो 10 raised to minus 3. This can be written as 0.75 into 10 raised to minus 4. Decimal shift क्या 0.7 का है को 3 by 4 लिख सकते हो. 0.3, so this will be 0.9. 9 into 10 raised to minus 4 is the answer. Option number D. The magnetic moment of an electron moving in a circular orbit with speed v. Magnetic moment of an electron is EVr by 2. So, ये D option है. और ये कौन सा option है अभी EVr by 2, C option है. Now, question number 3 की तरफ बढ़ते हैं. Which of the following substances have positive permeability and negative magnetic susceptibility? Negative magnetic susceptibility is only for dia. So, option is B. Fourth ki taraf badhte hain hum log. Two substances A and B have relative permeability slightly greater and slightly less than unity. Then, जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है वो कौन है और जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 है वो कौन है. स्लाइटली ग्रेटर देन 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर. तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरा इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, वेयर एज ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाया इज स्मॉल एंड नेगेटिव. तो डाया की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है तो उसका म्यू आर लेस देन 1 होगा और पैरा की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है तो उसका म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा. तो पहला पैरा है और दूसरा डाया है. दिस इज ऑप्शन नंबर ए. पहला पैरा है और दूसरा डाया है, ऑप्शन नंबर ए. फिफ्थ, निकेल इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एट एनटीपी ओनली. It is a ferromagnetic material below 360 degree. क्योंकि निकेल का क्यूरी टेम्परेचर जो है वो 360 डिग्री सेल्सियस है. तो क्यूरी टेम्परेचर इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो 360 के नीचे निकेल इज फेरो, अदरवाइज इट इज पैरा. बिकॉज अबव क्यूरी टेम्परेचर इट द डोमेन स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड. नाउ मूविंग ऑन. Relative permeability of iron is 5500. The magnetic susceptibility is mu r is equal to 5500. Susceptibility is mu r is equal to 1 plus susceptibility. So mu r minus 1 is susceptibility. So susceptibility is equal to 1 subtract karo 5499. Ye aayega ye D option. इलेवेंथ लिखा है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी. डोमेन इन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ 1 माइक्रोमीटर, इट कंटेन्स एक डोमेन में 8 × 10^2 10 atoms. Volume of one domain is 1 micrometer cube. क्योंकि एक domain की size जो है, वो है 1 micrometer cube है, और तो उसका volume होगा 1 micrometer का cube. So it will be 10^-6 का cube.
सो इट विल बी 10 रेज टू माइनस 18 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम। डोमेन में इतने एटम्स है और वॉल्यूम ऑफ डोमेन इतना है, क्यूब का फॉर्मूला यूज किया। अब अगर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है 9 × 10^24, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अब एक बात बताइए, एक डोमेन में कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा? इतने एटम्स है और एक एटम के पास इतना मैग्नेटिक मोमेंट है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इन अ डोमेन इज, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इन अ डोमेन इज अपॉन वॉल्यूम। ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना, 72 माइनस 6, माइनस 6 होगा, ये 10^10 होगा, तो 7.2 × 10^5 आंसर होना चाहिए इसका। ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन इज ए। अब ये 12th है, 7th है, आई डोंट नो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरा, इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग, अगला क्वेश्चन। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरा, अगर पैरा की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में हम लोग बात करें, तो अगला सवाल है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरा के बारे में बात करें तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरा एट T1 इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरा एट T2, ये आ जाएगा। ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरा एट -73 डिग्री सेल्सियस मतलब 200 केल्विन, सो 200 केल्विन में इट इज 0.075, 200 केल्विन में इट इज 0.00 है, सॉरी। तो पूछा गया है -173 मतलब 100, 273 में से 173, तो 100 पे कितना होगा? कैन आई से 0.0150, दिस विल बी द ऑप्शन डी ऑप्शन, सो इट विल बी डी। फोर्टीन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ईच एटम इन ऑफ एन आयन बार हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट, एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट दिया, knowing that the density of iron is 7.78 into 10 raised to 3 kg per meter cube, okay, atomic weight of iron matlab molar mass is 56 gram, Avogadro's number diya hai, the magnetic moment of the bar magnet. Now magnetic moment in the state of saturation will be, magnetic moment is equal to total magnetic moment. Total magnetic moment कैसे निकालेंगे हम लोग? Number of atoms into total magnetic moment will be number of atoms into 1.8 × 10^-23. Volume भी देना चाहिए उन्होंने, volume is 5 × 1 × 1, so it is 5 × 10^-6 meter cube volume दिया हुआ है। अब number of atoms कैसे निकालेंगे? Density mass is equal to mass upon volume is density, so density into volume is mass, तो हमें mass पता है, mass is equal to
कैन आई से 7.78 इंटू 10^3 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 5 × 10^-6, तो ये आ जाएगा 7.78 इंटू 5 × 10^-3, इतना केजी मास आ जाएगा, विच इज 7.78 इंटू 5 ग्राम्स आ जाएगा मास। तो इतना ग्राम मास है, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 7.78 इंटू 5/55, इतने नंबर ऑफ मोल्स है। अब एक मोल में इतने एटम्स हैं, तो इतने मोल्स में कितने एटम्स होंगे, तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट विल बी नंबर ऑफ एटम्स, व्हिच इज 7.78 इनटू 5/55, इतने नंबर ऑफ इनटू एनए, नंबर ऑफ एटम्स विल बी दिस इनटू दिस, व्हिच इज 6.023 इनटू 10^23, इतने टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, इनटू 1.8 इनटू 10^-23, इसको इकट्ठा कर लेते हम लोग। कैलसी से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल नॉट कम इन एग्जाम, ऐसे कैलकुलेशन सिंपल रहेंगे। अभी आपको तो पता है कैलसी से यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन एग्जाम में दिस कम्स आउट टू बी 7.6 समथिंग, 7.54। इसका आंसर है, अच्छा ये 2-3 यूज किया इन्होंने, 0-2 यूज किया, तो इससे फर्क पड़ जाएगा, 7.54 इज द आंसर। आगे बढ़ते हुए, अ बार मैग्नेट हैज कोर्सिविटी 4 × 10^3, इट इज डिजायर्ड टू डीमैग्नेटाइज बाय इंसर्टिंग इनसाइड अ सोलेनोइड 12 सेंटीमीटर लॉक हैविंग 60 टर्न्स, द करंट दैट शुड बी सेंट थ्रू द सोलेनोइड इज। अब बेसिकली कोर्सिविटी क्या होती है, कोर्सिविटी इज अमाउंट ऑफ उल्टा फील्ड दैट इज रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज, कोर्सिविटी इज अमाउंट ऑफ फील्ड रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल, तो हमें उसको डीमैग्नेटाइज करें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेट अस स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्सिविटी। कोर्सी, कोर्सी का स्पेलिंग क्या है रे भाई, कोर, अच्छा ठीक है, कोर्सिविटी दिया हुआ है उन्होंने, कौन सा क्वेश्चन है ये, 15, कोर्सिविटी दिया है उन्होंने 4 × 10^2, माइनस वगैरह है, प्लस होना चाहिए, प्लस 3 एम्पियर पर मीटर, इतनी कोर्सिविटी है इसकी। इट इज डिजायर्ड टू डीमैग्नेटाइज बाय इंसर्टिंग इनसाइड अ सोलेनोइड, सोलेनोइड की लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैविंग n टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 60, द करंट शुड बी, अच्छा करंट कितना है, नाउ कोर्सिविटी इज, इट इज, अगर आप हिस्टेरेसिस लूप जानते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ एच फॉर विच मटेरियल डीमैग्नेटाइजेस। अब मुझे एक बात बताओ, एच की वैल्यू क्या होती है, एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू, नॉट इज बी बार, बी बार इज द एक्सटर्नल फील्ड एंड म्यू इज द परमेबिलिटी। मुझे एक बात बताओ, What is the B bar of a solenoid? Solenoid का B bar है mu zero n I upon, ये B bar of solenoid है upon mu zero. तो h of solenoid is n I. तो ये दिया हुआ है उन्होंने 4 × 10^3 produce करना है, उसके लिए current कितना आवश्यक है। A
अब एन इज नॉट नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। एन कितने टर्न्स है, 60, 12 सेंटीमीटर। करंट कितना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 ज़ा 5 ज़ा, सो करंट इज इक्वल टू 4/5 × 10^1, 8 एम्पियर आ रहा है मेरा, द आंसर इज 8 एम्पियर। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, द ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब ससेप्टिबिलिटी दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16th है, ससेप्टिबिलिटी दिया है पैरा का 3×10^-4, इट इज प्लेस्ड इन अ फील्ड ऑफ, लेकिन अगर आप इसका यूनिट देखेंगे तो ये एम्पियर पर मीटर है, तो ये एच है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पूछा है, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन एच, सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू एच, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 12×10^-8 आ जाएगा ये, 12×10^-8, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, सॉफ्ट आयन, ओके, आयन वुड बिकम पैरामैग्नेटिक मटीरियल एट 800°C, आयन का जो क्यूरी टेम्परेचर है वो 800-1200 केल्विन के आसपास है, तो इट विल बी समवेयर 890 या 1300 केल्विन के आसपास है, जस्ट लेट मी चेक दैट, व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ 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 ये 770°C है किसका, 800 के आगे हो जाएगा ये पैरा 18। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डाया, अब ये 20th जो है ये कौन सा डायग्राम है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आए और ज्यादा करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, इसमें से कम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका म्यू जीरो से कम होगा, सो म्यू परमेबिलिटी कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटीरियल इज लेस देन कंडक्टिविटी ऑफ एयर, ऐसा एक ही मटीरियल है जिसका म्यू आर लेस देन 1 है, क्योंकि टोटल परमेबिलिटी अपॉन म्यू जीरो विल बी लेस देन 1, हूज कंडक्टिविटी म्यू इज लेस देन कंडक्टिविटी ऑफ एयर, सिर्फ डाया, तो ये डायमैग्नेटिक मटीरियल होगा क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी एयर से कम है। इसके साथ ही ये सारे सवाल सॉल्व हो गए, आप नेक्स्ट इसमें और भी सवाल सॉल्व करेंगे आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।